नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के समय में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सके, इसके लिए विशेष बसें चलाई जाएं। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए शीघ्र वार्ता की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना और क्वारंटाइन व्यवस्था को लेकर कोर ग्रुप के साथ समीक्षा करते हुए इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिदास दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने रेपो रेट में 0.4% की कटौती करने का ऐलान किया। ऐसे में अब रेपो रेट दर घटकर 4% पर आ गया है, जो कि पहले 4.4% था। हालांकि रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे 3.35% पर बरकरार रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट घटाने के पक्ष में वोट दिया। कमेटी की बैठक 3 जून से होनी थी, लेकिन पहले ही कर दी गई। करौली जिले के हिंडौन सिटी में विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत करने वाला ही विद्युत चोर निकला। जानकारी के अनुसार एक युवक विद्युत विभाग के एमडी को बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों से अवगत करवाता था। इसके द्वारा दी गई अधिकांश शिकायतें झूठी पाई गई। जब विद्युत निगम ने इसके घर की जाँच की तो यह युवक खुद ही विद्युत चोर निकला। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार भरतपुर नदबई के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर लुल्हारा के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को नदबई CHC में रखवाया गया है। सभी मृतक जयपुर झोटवाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। टोंक के पीपलू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरखंडी कला के गांव समदपुरा में एक निश्राशित महिला के मकान के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कूलर, नकदी, कपड़े, पेंशन सहित सभी जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। लाली देवी पत्नी स्वर्गवासी गणेश मीना ने बताया कि आग से करीब 45,000 रुपए की नकदी, कपड़े, पेंशन, भामाशाह कार्ड सहित कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। पटवारी महेश लाल ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाई है। जोधपुर में RTI कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पीड़ित ने शराब की बोतल का बिल मांगा था, जिसे लेकर विवाद हो गया। पीड़ित पर ही आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ने पक्ष रखते हुए मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा। हाईकोर्ट ने पीड़ित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन सत्रांक भेजने की तिथि 27 मई तक बढ़ा दी है। सचिव अरविंद सेंगवा ने बताया कि वर्ष 2020 की परीक्षाओं के ऑनलाइन सत्रांक 27 मई तक भेजे सकेंगे। इस अवधि में सत्रांक भरने जरूरी होंगे। सत्रांक भरकर लॉक करने के बाद 3 जून तक विलंब संशोधन शुल्क के साथ 50 रुपए प्रति विद्यार्थी, अधिकतम शुल्क 5,000 रुपए प्रति विद्यालय देने होंगे। इसके बाद 10 जून तक शुल्क 100 रुपए प्रति विद्यार्थी व 10,000 रुपए प्रति स्कूल शुल्क देकर ई मित्र पर जमा कर ऑनलाइन सत्रांक भरने संशोधन की प्रक्रिया हो सकेगी। DGP भूपेंद्र सिंह यादव ने VC के जरिए प्रदेश के तमाम रेंज IG और तमाम जिला SP की कोरोना वायरस की रोकथाम सहित अन्य गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान DGP भूपेंद्र सिंह यादव ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से लागू किए गए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश सहित विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना कराने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दौसा जिले के मंडावट थाना इलाके के ग्राम नांगल मीना में अवैध रूप से भरी शराब से भरी एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी, जहां मकान में एक बुजुर्ग मौजूद था। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई। वहीं गाड़ी के टकराने के दौरान गाड़ी में रखी कुछ शराब फैल गई। बिखरी शराब के पौवे बोतलों के आसपास के ग्रामीण ले गए। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में एक कलयुगी भतीजे ने अपने काका को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार अकोला थाना क्षेत्र के ताना गांव में यह घटना हुई है। मृतक बलवंत सिंह और उसके भतीजे के बीच देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। भतीजे ने धारदार हथियार से काका पर हमला कर दिया। उपचार के दौरान काका ने उदयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अकोला थाना पुलिस आरोपी भतीजे को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.